वेलकम गाइस, दिस इज आशीष महंत और आप देख रहे हैं डीएम ब्लॉगिंग। फ्रेंड्स, अभी हम हैं कान्हा केसरी के रिजॉर्ट में। और फ्रेंड, यहाँ का जो अपन कल नाइट में रुके थे, कल का दिन बहुत ही बेहतरीन था, बहुत ही इंजॉय की और बहुत ही मज़ा आया यहाँ पर। और फ्रेंड, अभी हुए हैं मॉर्निंग के 5:50 और फ्रेंड हम लोग ऑलरेडी लेट हैं। अपने को 5:50 में सफारी के लिए पहुंचना था, अपना टाइमिंग है मॉर्निंग में ही। फ्रेंड, आज हम जाने वाले सफारी में। फ्रेंड्स, आज जो सफारी होने वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और नो, ये क्या हो गया, यहाँ आप देख सकते हैं अपन ऑलरेडी सफारी के लिए लेट हैं और पंचर हो गया अपना। फ्रेंड्स, हमारा जो सफारी का टाइमिंग था मॉर्निंग 5:30 to 11:30 तक था और अभी 7 बजे वी आर ऑलरेडी लेट। और यहाँ के मैनेजर बता रहे हैं कि अगर आप अपने सफारी टाइमिंग से 1 घंटे भी लेट होते हैं तो उसके बाद आपको वहाँ एंट्री नहीं मिलती। सो आई विश कि हमें एंट्री मिल जाए, क्योंकि इतने दूर हैं, अगर आप सफारी नहीं मिल पाए तो थोड़ा सही नहीं रहेगा। तो इसके लिए जाए सफारी, तो चलिए रिक्वेस्ट करते हैं अपन। अच्छा हुआ कि भैया लोगों ने स्कॉर्पियो में एक्स्ट्रा टायर रख लिए थे स्टेपनी और लग गया है और निकलने वाले। फ्रेंड, तो दिखाते हैं मिलता है कि नहीं अपने को। विक्रम भैया रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं कि अगर कुछ हो पाए तो, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लेट हैं यहाँ और लेट होने पर आपको यहाँ एंट्री नहीं मिलती। जाओ जल्दी आओ। सो फाइनली फ्रेंड्स, सबसे यहाँ के सर मान चुके हैं और अपने कंसिडर कर रहे हैं जाने के लिए। सो थैंक्स गॉड। सो फाइनली फ्रेंड्स, हमें हमारी सफारी मिल चुकी है, हमें लेट फाइन देना पड़ा 500 रुपीज़। चलो कैसे भी मिल गया सफारी अपने को। हमारी जिप्सी नंबर है 220, ये हमारे गाइड है। हाँ भैया, आपका शुभ नाम? उदय कुमार पटेल। अच्छा भैया, ऐसा पहले हुआ है कि हम लेट होने के बाद भी एंट्री मिली हो? नहीं। अच्छा, हम फर्स्ट हैं थे ना जो एंट्री मिली है। कान्हा नेशनल पार्क इतिहास में पहली दफा। सो ये रही हमारी जिप्सी गाड़ी नंबर 220 और ये रहे हमारी सही भैया लोग। सर, एक मिनट अट गए, नहीं तो आप नहीं जा पाए। वही तो मैं बोल रहा था। टिकट के अंदर इंटर कर चुके हैं और हम जिप्सी में हैं अभी और हमारी गाइड भी आई है, सामने बैठे हैं और ड्राइवर भी। सिक्स नंबर यहाँ हमारे साथ है विक्रम भैया और ये ऑलरेडी 2 बार यहाँ विजिट कर चुके हैं। तो भैया, आपको 2 बार जब आए थे तो आपको टाइगर दिखा रहा? एक बार दिखा, एक बार नहीं। अच्छा, तो मतलब चांसेस है कि नहीं दिख भी सकता है और नहीं? ये लक के ऊपर डिपेंड करता है। एक्साइटमेंट अभी है कि बस दिख जाए। सुबह से टेंशन में ही है हम लोग। मॉर्निंग से ही हमारे साथ काफ़ी सारी नेगेटिव पॉइंट बोल सकते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और फ्रेंड, हम लोग ऑलरेडी यहाँ लेट होने के बाद विजिट कर रहे हैं। गाइड भैया जी, हमें यहाँ कौन कौन से जानवर दिखने को मिलेंगे? यहाँ पे हिरण मिलेंगे। अच्छा, भालू, ओके, बारहसिंगा, अच्छा, कामर, चौसिंगा, अच्छा, मोर, टाइगर, अच्छा, तेंदुआ तो बहुत कम मिलते हैं देखने को। अच्छा, और भैया अभी के टाइम में टाइगर हमें दिखने के चांसेस हैं? चांसेस है ना, चांसेस है। अच्छा फ्रेंड्स, अभी हम घने जंगल में हैं, देख सकते हैं आप चारों साइड, और जंगल को रखाना है यहाँ, कुछ भी दिख सकता है आपको, भालू दिख सकता है, टाइगर दिख सकते हैं और कहीं भी। और देखिए, अपन पूरा यहाँ ओपन जिप्सी में है,
अपने जू में बहुत सारे सेफ टाइगर्स को देखोगे पिंजरे के अंदर, बट ये थोड़ा अलग है। यहाँ आप उसको खुले में देखोगे, वो भी खुले जंगल में और ओपन जिप्स में देख सकते हैं। यहाँ पूरी तरफ खुला है और ऐसा नियम है कि अगर टाइगर आपको अटैक करते हैं उनको आप हार्म नहीं पहुँचा सकते, उनको किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचा सकते। और अपन देखते हैं कभी कि टाइगर मिल जाए, देखते रहिए। आपको जो भी हमें जानवर देखने को मिलता है अब हम आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स आपको यहाँ अपने साइड में हिरण देख रहे हैं। हमारे सामने आपको देखने को आ रहा सिंगा, से ट्रैवल कर रहा था। क्वेश्चन यह है कि क्या उनको डर नहीं लगता, और क्योंकि हम जिप्सी में हमें काफ़ी डर लग रहा है कि हम कोई से गुल नहीं कर रहे, तब सामने हुए और चारों तरफ नज़र फैलाए हुए देख रहे हैं कि कहीं हमें टक्कर दिख सके। हमारे गाइड का बता रहे हैं कि यहाँ से टाइगर यहाँ से गया है अभी, और यहाँ देखिए उनके पाँव के निशान दिख रहे हैं वहाँ पर सब में, शायद आपको कैमरा में ना दिख पाए, लेकिन ये रहा पैर का निशान उसका। और गाड़ी से कहते हैं कि इधर नहीं दिखा है उनको कोई डर, इसलिए हम तो आगे बढ़ रहे हैं। हम भी जिप्सी है, बिल्कुल भी शोर नहीं करती है, एकदम धीमी साउंड में धीमी आवाज़ में हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं।
ऐसा कुछ हादसा हुआ है कि मतलब टाइगर के साथ ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना? जंगल है, काफ़ी घना है, काफ़ी सारी चीज़ें जो हमारी है। और आप देख सकते हैं कि आगे भी जितनी जा रही है गेट्स हैं, उसके से टोटल 72 जिप्सी चलती है वहाँ से। और भी अदर गेट्स हैं उसमें करीबन 200 जिप्सी चलती हैं, करीबन जिप्सी बहुत सारी हैं। आप विजिट कर सकते हैं, काफ़ी मात्रा में यहाँ टूरिस्ट आते हैं, लोग बाहर से भी आते हैं, फॉरेन से भी आते हैं, तो आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो एक्सपीरियंस है, ये जो काफ़ी मज़ा आ रहा है। जंगल के बीच में ये कैंप है। यहाँ पर आपको पास में ही यहाँ का वॉशरूम मिलेगा, आप वॉशरूम जा सकते हैं। और ये रहा, ये कोई लोकल पर्सन लोग का नहीं, यहाँ पर ये कैंप है, यहाँ की देखभाल करने वाले लोग रहते हैं यहाँ। और फ्रेंड्स बोलते हैं कि यहाँ टाइगर आते भी हैं, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक हादसा नहीं हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए काफ़ी सारे लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, अपना जो भी ब्रेकफास्ट है यहाँ कर रहे हैं, जो पैक करके लाए हैं। और फ्रेंड्स हमने भी अपना ब्रेकफास्ट यहाँ पैक करा लिया है। फ्रेंड्स यहाँ हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, जो पैक करा कर लाए हैं, उसमें है आलू पराठा, अचार और पोहा। देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से, चलिए अपन भी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और आपको मिलते हैं ब्रेकफास्ट के बाद।
फ्रेंड्स हमारा यहाँ एग्जिट का टाइम हो चुका है, 11 बजने वाले हैं और अब यहाँ से हम निकलने वाले हैं। फ्रेंड्स ये जो टाइगर दिखना हो रहता है ये चांसेस 50-50 रहती है, क्योंकि जो आप जिप्सी में रहते हैं वो हम खाली रोडवे जा सकते हैं, और जो टाइगर अगर जंगल के बीच में रहा तो अपन वहाँ नहीं देख सकते, खाली अगर रोड साइड आया साइड में रोड में तब हम खाली देख पाएंगे उनको, और हम जिप्सी से बाहर नहीं जा सकते हैं। अभी तक हमें नहीं दिखा और टाइम होने वाला है। सो फाइनली फ्रेंड्स आज का व्लॉग यहीं तक था। फ्रेंड्स हमें टाइगर नहीं दिखा लेकिन हमारे बाकी अदर जिप्सी वाले भाइयों को टाइगर दिखा। सो फ्रेंड्स आप एक बार जंगल सफारी जरूर विजिट कीजिए और यहाँ का आनंद लीजिए, और हम आपसे मिलते हैं एक न्यू सफर में एक न्यू एक्साइटमेंट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।